नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित मुथा है। मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ मानिपाल हॉस्पिटल्स खराड़ी पुणे में। मेरा स्पेशलाइजेशन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज और कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटीज़ है। आज अपन एक 13 वर्ष के लड़के के बारे में बात करेंगे जिनकी मेन कंप्लेंट थी कि वो खेलते वक्त गिर रहे थे, स्कूल में उनको पेन पकड़ने में मुश्किल हो रही थी, अपने शर्ट्स के बटन लगाना भी दिक्कत थी, उनको चलते वक्त इस हद तक प्रॉब्लम बढ़ गई थी कि दो लोग उनको पकड़ के ही लेके आए थे ओपीडी में। तो जांच करने के बाद समझ आया कि ब्रेन के नीचे जो मेन नस स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है वहाँ पे कंप्रेशन है, जिसका कारण उनकी कंजेनाइटल प्रॉब्लम थी कि जो उनके बचपन से ही उनके शरीर में थी, जब बोन ग्रोथ हुई तो उसकी दिक्कत ज़्यादा होने लगी। तो इस चीज़ को एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन विद बेजिलर इन्वेजिनेशन ऐसे कहा जाता है। सरल भाषा में जो पहला और दूसरा गर्दन का मनका है वो अपनी जगह छोड़ आगे पीछे हो गया है, और जो दूसरा मनका है वो अंदर ब्रेन तक कंप्रेस कर रहा है, जो ब्रेन स्टेम है उसको कंप्रेस कर रहा है। इसलिए उनकी जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ी चेंज हो गई है और नॉर्मल लाइफ जीने में दिक्कत आ रही है। सीटी स्कैन करने पर पता चला कि उनके दूसरे और तीसरे मनके में भी एक साथ वो जुड़ गए हैं जो बचपन से ही इश्यूज है। तो इसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही था, जो कि काफ़ी जटिल और कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। ब्लड वेसल्स होती है वो भी एनोमलस होती है, उनका रास्ता भी वो बदल देती है, जो एक वर्टिब्रल आर्टरी करके होती है जो सर्जरी के जगह में थी, तो उसको मोबिलाइज करना भी ज़रूरी था। तो प्लान सर्जरी का डिसाइड हुआ। एनेस्थेटिस्ट टीम वॉज वेरी मच इक्विप्ड अपने यहाँ की टू हैंडल जनरल एनेस्थेसिया फॉर सच अ स्मॉल चाइल्ड। इसके बाद न्यूरो मॉनिटरिंग करके टेक्नोलॉजी होती है जिसका हमने इस्तेमाल किया है, जिसमें ये जो अंदर घुसा हुआ मनका है उसको नीचे लाते वक्त और उसको वापस आगे उसकी जगह पे पुश करते वक्त जो मेन स्पाइनल कॉर्ड है उसके सिग्नल्स इंटैक्ट है, ये रियल टाइम फीडबैक पूरी सर्जरी के दौरान न्यूरो मॉनिटरिंग मशीन्स और उसकी इलेक्ट्रोड्स अपने को देते हैं, तो सर्जरी की रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऐसे उनको विद ट्रैक्शन सर्जरी के लिए लिया गया और बिल्कुल उनके स्कल के और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में दो स्पेसर्स डाले गए सो दैट वहाँ का पार्ट डिस्ट्रैक्ट हो गया था, और फिर सेकेंड वर्टिब्रा को आगे पुश करके ये पूरा जो डिसलोकेशन था वो रिड्यूस कर पाए। इमीजिएटली आफ्टर सर्जरी वी गॉट गुड रिजल्ट्स, ही वॉज वॉकिंग नेक्स्ट डे, दूसरा अपने से चलने लग गए, और 3-4 दिनों में ही उनकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो गई थी। जो लड़का पेन नहीं पकड़ पा रहा था वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखना 3 दिन में ही शुरू हो गया था। अभी वी आर 1 मंथ डाउन द लाइन सर्जरी, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, बिल्कुल बारीक काम भी हाथ से हो रहा है, इंडिपेंडेंटली अपने से चलना भी पॉसिबल है। तो दिस वॉज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो अपने पास मणिपाल खराड़ी में अवेलेबल है, जो इक्विप्ड ICU सेटअप है ऐसे जटिल सर्जरीज के लिए होना चाहिए, जो पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट होने चाहिए वो भी अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस कॉम्प्लेक्स सर्जरी बिल्कुल आसानी से हो गई, एंड टच वुड विद गॉड्स ग्रेस ये बच्चा अभी बिल्कुल नॉर्मल है। धन्यवाद।